हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग को लेके जाएंगे एक बहुत ही स्पेशल पार्क में, जो कि नया इनोग्रेट हुआ है जनवरी मंथ में। तो आप लोग को दिखाएंगे फुल व्यू पार्क का, और बहुत ही बढ़िया पार्क है, कल्चरल पार्क है और एक हिस्टोरिक पार्क कह सकते हैं उसको। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को पार्क को। तो बने रहिए वीडियो में और देखते हैं वीडियो को एंड तक। से है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लिया जाता है, तो आप लोग यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और पार्क का नाम है स्वर्गदेव उद्रहिंग उद्यान। तो हम लोग पहुँच गए हैं, बहुत स्पेशल पार्क है, तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को अंदर का ब्यूटीफुल नज़ारा। फ्रेंड्स, हम लोग आके पहुंच गए हैं हम लोग का आज का ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन में, जो कि वैलेंटाइन्स स्पेशल डे है आज। और मेरी वाइफ को लेके आया हूं मैं आज वैलेंटाइन्स स्पेशल के लिए। तो हम लोगों ने सोचा था कोई अच्छी जगह पे जाएंगे वैलेंटाइन्स डे बोल के, तो इसलिए हम लोग आके यहां पे नया से बना है ये रुद्रहिंगा उद्यान, रुद्रहिंगा पार्क। बहुत ही नया है, जनवरी में इनोग्रेशन, तो बहुत ही बढ़िया है, ऑसम पार्क है। आप लोग अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं और यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, आप लोग को दिखाएंगे वीडियो में। तो बहुत ही अच्छा है, व्यू भी बहुत ही बढ़िया है, आप लोग आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और तो वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, आप लोग को सब कुछ दिखाएंगे फुल क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए वीडियो। तो ये म्यूजियम है फ्रेंड्स, यहाँ पे हर चीज़ को रखा के आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया म्यूजियम बनाया गया है। भैया हम लोग को सारा इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पे जो जो चीज़ें। तो भैया ये किसका किस चीज़ का मॉडल है, मतलब एक अच्छा, ये है रॉयल कोर्ट, पहले वाला जो नीचे में है इसको बोलते हैं जेल, और ऊपर वाला है रॉयल कोर्ट, इसको आसामीस में बोलते हैं न्याय फुकदा विशासरा मीन्स रॉयल कोर्ट। और यहाँ पे वो था मेटरनिटी हाउस लेवर रूम। अच्छा, तो ये कॉन्फ्रेंस हॉल और पीछे वाला कवर रूम, और जो एल पठान कोर्ट है उसको बोलते हैं राजा का टॉयलेट था पहले। अच्छा अच्छा, तो ये पूरा मतलब मॉडल अहम किंगडम का है, मतलब एज इट इज वही आप लोग का यहाँ पे आप लोगों ने सोच लिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन। और भैया इधर का ये गोड़गांव का रॉयल प्लेस बनाया गया है। अच्छा अच्छा, गोड़गांव तो तीसरा कैपिटल था अहम डायनेस्टी का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है मेन आर्किटेक्ट क्या ड्यूरिंग अहम डायनेस्टी का धनुष मंदिर का टेराकोटा ब्रिक टेम्पल। अच्छा, टेराकोटा ब्रिक, टेराकोटा मिट्टी से। अच्छा अच्छा, मिट्टी से बना हुआ। अच्छा अच्छा, और ये कॉइंस है ना शायद भारतीय कॉइंस है, जो भारत का इंडिया का जो ग्रेट 1964 से 2021 तक जो चला है आज तक, सारा कॉइन्स देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स। हम सारा कॉइन्स है 1964 से 2021 तक, जो भी कॉइन्स चल रहा है सारा चीज़ है यहाँ पे वो देख सकते हैं। और इधर भी है, और ये जो ये है हाथीले बोलते हैं, हाथीले लेकर हाथ में लेकर फेंक किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये है गोलियाँ। अच्छा, ये सब गोली यूज करते थे ना अहम, मतलब जब भी वो करते थे युद्ध करते थे या कुछ भी, तो ये यूज करते थे ना इस गोला। तो कोई मिसाइल डिजास्टर टो नहीं सकते है। टेराकोटा से मतलब बनाया गया है ये पूरा ब्रिक।
और इधर मतलब जो भी तलवार वगैरह है और सारा वेपन और ये भी सब सारा तो वही है ना वार वेपन्स। अच्छा 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 और ये सब सारा ईंट और इधर भी इसको बोलते हैं साल बिगड़ा सर्विस में। तो यहाँ पे रहता मैं बेस पर खाना खाने के लिए। अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए यूज़ करते थे ये सारा ना। तो ये है कोरिया गाय का दूध खिलाने के लिए यूज़ करते थे। अच्छा अच्छा गाय का दूध निकालने के लिए यूज करते थे कोरिया करिया। अच्छा अच्छा तो ये है आसामिस में मेलाही मदी बोलते हैं। तो राइस भी है जा। अच्छा अच्छा तो पीने के लिए मतलब मदिरा पान करने के लिए यूज करते थे। पान करने पूरा का रावण का सारा सर दिखाया गया है यहाँ। अच्छा 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 तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया तरीके से ये रावण का पूरा सर दिखाया गया है यहाँ पे। और ये सारा मोनूमेंट बना जयदल या शिवदल बनाने के लिए जो हथियार यूज किया था ना वही बना। अच्छा अच्छा इधर भी ये भी था ये भी मेटल से इंटेंस मेटल इंटेंस। अच्छा 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 और ये पुथी वगैरह है क्या पुथी वगैरह मैंने जो पोथी लिखे थे ना वो। अच्छा 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 और ये इसका भी लोग क्या है। अच्छा ये अतुल चंद्र सर। तो ये ब्रिटिश के समय का है ना और ये ब्रिटिश समय का लैंप है आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया। मिर्दंग बोलते हैं क्या बोलते हैं मिर्दंग मिर्दंग फुल। ये है वाटर पाइप के लोगों में ऐसा वाला पाइप वाटर कंजर्वेशन के लिए जब से दूसरा हुआ बनाया था। अच्छा अच्छा पल्की जो सत्रह का के लिए किया था। हाँ। अच्छा अच्छा मतलब इसमें क्या मतलब उठा कर लेके जाते थे ऐसा। हाँ हाँ मतलब दोनों तरफ से पकड़ के उठा कर लेके जाते थे। अच्छा 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 इसको क्या बोलते हैं धनुकासुर कंस का राजा का सेनापति था। अच्छा अच्छा धनुकासुर। अच्छा ये जामवंत बदाम का भक्त था। हाँ हाँ जामवंत जामवंत का नीचे दिया है जी 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 सिर्फ इसका के साथ ये दिया कि इसको फाइट किया था। हाँ हाँ उन्होंने ये लिया जो श्याम कर जी 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 और इन ये शुक्राचार्य शुक्राचार्य। अच्छा 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 और ये विजिटर्स को और इधर तारकासुर यस यस अच्छा अच्छा ओके 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 नमस्कार। हाँ नमस्कार यस 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 और ये लॉर्ड हनुमान। हाँ हनुमान जी कृष्णा जी और बाहर गर्दपसी। यस 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 ये बनाने का जो तरीका है ना वो देखिए पहले बैंगो से बनाते हैं और फिर कतम कपड़ा लेते हैं। अच्छा अच्छा और फिर काउडा और मिट्टी। हाँ काउडा लगा के बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है फ्रेंड्स सारे चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं वेल मेंटेन्ड है बहुत ही सुंदर लग रहा है देख के सारा चीज़ को। और ये क्या है भैया बचपन में अच्छा कुंभकर्ण इनको तो पहचान गया मैं सोते हैं। अच्छा बढ़िया और ये राजा हरिशन। अच्छा दैत्य है मतलब कोई एक रेंडमली और सारा इतना नाम का रखे थे एक दैत्य को भी रख दिया मतलब। अच्छा बढ़िया थैंक यू सो मच भैया थैंक यू। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया भैया ने सारा म्यूजियम में इतना अच्छा अच्छा चीज़ रखा गया और सबने डोनेट किया है तो थैंक यू सो मच डोनेट करने के लिए हर कोई जो भी डोनेट किया है सबको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा मैं डोनेट करने के लिए। और भैया ने इतना सुंदर से इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया मेरे को सारा चीज़ का उसके लिए थैंक यू सो मच आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझको समझाया सारा चीज़
उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और आप लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, और जितने भी आप लोग यहाँ पे मतलब गाइड कर रहे हैं लोगों को हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं, अगर कोई भी अगर जानने को उत्सुक है कोई भी चीज़ के लिए, तो फुल आप लोग को प्रेजेंटेशन देंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे। तो थैंक यू सो मच वन सेकेंड भैया, और हम लोग को इतना सुंदर से बफरिंग किए, इतना सुंदर से बताए। तो वैसे ही आप लोग कंटिन्यू करते रहिए और भी इस चीज़ को आगे बढ़ाइए और डेवलप कीजिए। हम लोग से वेल विशेस है आप लोगों के लिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल सिल्क है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जितने भी प्रोडक्ट्स देखा, हर प्रोडक्ट्स आप लोग खरीद सकते हैं यहाँ पे, परचेज कर सकते हैं। तो सब कल्चरल चीज़ें हैं यहाँ पे, और जो भी असम में मिलता है हर चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आके आप लोग अगर ख़रीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है फ्रेंड्स इस पार्क को, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस पार्क को डिज़ाइन किया गया है, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। और देखिए क्या शानदार एक झरना, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है। और यह लासित बोरफुकन आप लोग देख सकते हैं, जिन्होंने अहोम के तरफ से फाइट किया था अगेंस्ट मुगल के सामने। यह लासित बोरफुकन बहुत ही साहसी वीर योद्धा, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही औसम नज़ारा है यहाँ का, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये खेल रही है देखिए पानी से, तो सिर्फ मजा रहे यहाँ का।
কিছুমান বিহু আপনার আগত আমি পরিবেশন করবলে ওলাইছো। গতিকে আমার সকলে উপভোগ করব আর আপনার যদি আমার সহযোগ করব বিচারিছে তেনহলে সকলকে সাদরে আমার মঞ্চলে নিমন্ত্রণ জানাবো। ধন্যবাদ। यहाँ पे आके सबने अच्छा लगा। स्वर्गदेव रुद्र सिंह का उद्यान बहुत ही अच्छा ये पार्क बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। ये नाइट में भी और भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। शाम के टाइम में ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, वही शाम के टाइम में आके मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। हाँ, बच्चों के लिए भी इतना अच्छा है खेलने के लिए। तो शाम का व्यू अगर आपको आना है तो शाम को बहुत अच्छा व्यू आता है। ऐसे दिन में भी अच्छा है, दिन में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब बच्चों के लिए बहुत ही खेलने का जगह है और बड़ों के लिए भी एंजॉय कर सकते हैं। और फाइनली आपको कल्चरल प्रोग्राम को देखने मिलेगा, बहुत ही बढ़िया कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पे होता है जो आप लोग को वीडियो में उन्होंने दिखाया है। तो ऐसे ही बहुत ही अच्छा ये बनाया गया इस पार्क को, तो यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं, पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए और घूमिए और पूरा एंजॉय कीजिए इस पार्क को। और हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब किसने नहीं किया है तो जाके अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट व्लॉग में।